अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो चले चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का ऑप्शन है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल हमारे पास ऐड योर प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने सैंपल लेने के लिए सिंपल एक और वेबसाइट ओपन की है। मैं जस्ट आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल, जैसे यहाँ पे ये टाइटल है, आप यहाँ पे टाइटल अपना लिख सकते हैं जो भी चाहें। उसके अलावा यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है स्टोर की, मतलब उस सिंपल स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हमें इमेजेस ऐड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा। वन टू थ्री, तो मैं जस्ट आपको ये लर्निंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करके आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप उसके रेलिवेंट इमेजेस आप लगाएंगे अपने स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इमेज आपने वो चूज़ करनी है जो आप चाहते हैं सबसे फ्रंट के ऊपर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो सबसे पहली इमेज आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। जो सबसे पहली इमेज आप करना चाह रहे हैं यूज़, वो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको चूज़ करना है। तो सिंपल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज जो सबसे पहले नज़र आए, तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा, ये हमारी प्राइमरी इमेज आ जाएगी। उसके अलावा जो इमेजेस मैं ऐड करना चाहूँगा वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से इनको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग सेट कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं इसके 9000 PKR रख देता हूँ और कंपेयर एट प्राइस। इसका ऑप्शन ये है कि हम जैसे डिस्काउंट लगाते हैं और अक्सर जगहों में आपने देखा होगा प्राइसिंग के साथ लिखा होता है, उसके ऊपर कट लगा होता है कि लेट्स सपोज 9000 का है, उसके ऊपर कट लगा है और 7000 अभी इसके ओरिजिनल प्राइस। इस तरह से आप इसको शो करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9000 लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000, मतलब राइट नाउ ये 9000 का है, पहले ये 9000 का था। तो इस तरह से यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इनको आप चाहें तो अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, SKU अपने ऐड कर सकते हैं, शॉप की लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये चेक्ड हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि शिपेबल हों, जिनको आप शिप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कस्टम्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट। और उसके बाद दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शन लाइक साइज कलर एंड साइज एंड कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। राइट नाउ मैं अभी आपको इसको ये मैंने ऐड कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिंपल सेव कर दिया हमने और मैं इसको अभी प्रीव्यू करता हूँ अपने स्टोर के ऊपर कि किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखें हमने वो प्रोडक्ट उसी तरह से ऐड कर दिया। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है हमें। आई डोंट नो ये स्वेचेस क्यों काम नहीं कर रहे, मैं इसको एक और दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ। तो ये समटाइम थीम में भी इशू आ जाता है, तो ये काम अभी इस तरह से नहीं कर रहे। ये इसका स्टाइल ही इसी तरह से, मैं भी यहीं पे शो करवाता हूँ इसी तरह से। तो हर थीम का एक डिफरेंट स्टाइल होता है प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए, तो इस थीम का स्पेसिफिक ये स्टाइल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप कोई कोड करें और इसको चेंज करें इस प्रोडक्ट पेज को। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसको कस्टमाइज मजीद किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन था, हमने देखा था कि दिस प्रोडक्ट हैज़ साइज कलर एंड अदर थिंग। तो मैं इसको अगर ऐड कर दूँ और इसके अंदर मैं कलर्स डाल दूँ, अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, डन। एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रे, सॉरी यहाँ से कलर और यहाँ से लिख देता हूँ ग्रे, और सॉरी यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसी को एडिट करता हूँ और इसको मैंने ऐड कर दिया ऐड एन अदर ऑप्शन। साइज में ऐड कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 42 साइज हमारे पास अवेलेबल है, 43 साइज अवेलेबल है, 44 साइज अवेलेबल है, ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से कलर्स अगर आपने रेड की जगह और करने हैं तो इस तरह से इसी के नीचे ग्रे ब्राउन इस तरह से ऐड कर देने।
ओके, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे सेटअप। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ साथ जैसे ही हमने ऐड किए, यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस नजर आएंगे, वेरिएंट्स। अब लेट्स सपोज रेड है, उसकी उस रेड इमेज की, रेड शूज की इमेजेस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसको अगर अभी सेव करूँ और मैं इसको देन अगेन रिलोड करूँ, तो यहाँ पे देखें हमें और ऑप्शन भी नजर आ गए कलर और साइज का। तो आप भी चाहें तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको रिलोड करता हूँ अगेन, आई थिंक इस जो, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक, तो इस वजह से ये ऑप्शंस काम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास इसकी इन्वेंट्री अवेलेबल है। किधर गए ऑप्शन, यहाँ पे देखें ये आउट ऑफ स्टॉक नजर आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल इस तरह से अगेन एडिट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नजर आने चाहिए इसके जो है इन्वेंट्री के। आई डोंट नो वाई यहाँ पे ऑप्शंस हमें नज़र नहीं आ रहे, तो मैं इस प्रोडक्ट को अगेन डिलीट करके और दोबारा से ऐड कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपनी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे देखें स्टॉक कीपिंग यूनिट, यहाँ पे मैं SKU कुछ भी डाल देता हूँ लाइक दैट, या एहसान समथिंग लाइक दैट, एहसान वन। और यहाँ पे देखें शॉप लोकेशन है, वेट है, हाइट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो हम यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। और इसको अब अगर मैं पब्लिश कर दूँ, आफ्टर पब्लिशमेंट मैं इसको अब अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शंस काम कर रहे हैं कि हमारे पास इन स्टॉक आ गया यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली अगेन आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो कि साइज, कलर और डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी डिटेल के अंदर के किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम स्पेसिफिक इन्वेंट्री के अंदर या सॉरी कलेक्शंस के अंदर कैसे ऐड करेंगे और कलेक्शंस क्या होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।